अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुनील शेखा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे डर्मा शाइन की मिक्स फ्रूट स्किन पॉलिशर का। और इस स्किन पॉलिशर को तकरीबन मैंने 2 महीने यूज़ किया है, वीक में एक बार करके, मतलब आप इससे नज़र लगा लें कि मैं तकरीबन इसे 8 बार यूज़ कर चुकी हूँ अब तक। खैर, इन 8 बार के इस्तेमाल के बाद मुझे इसके कैसे रिजल्ट्स मिले वो आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। उसके अलावा इसके प्राइस भी शेयर करूँगी। और अगर आप डर्मा शाइन की दिगर प्रोडक्ट्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लें, वहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट मेंशन की हुई है, उसमें आपको डर्मा शाइन की दिगर प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। खैर, इस प्रोडक्ट की बात करें तो मेरे पास है 70 ग्राम वाली ट्यूब, जो कि इनकी मिनी फ्रूट फेशियल किट में आई थी। ये अगर आपने सेपरेट खरीदनी है तो आपको 200 ग्राम वाली ट्यूब मिलेगी मिनिमम, जो कि आपको तकरीबन 550 के अराउंड अबाउट मिल जाएगी। ये स्किन पॉलिशर जो है ये 3 साल तक के लिए काबिल इस्तेमाल है, जबकि मैंने इसे 2 महीने यूज़ किया है सो फार। और इसकी जो फ्रंट है उसके ऊपर कुछ क्लेम्स हैं और इसकी जो बैक है उसके ऊपर दीगर इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जिसमें इसको यूज़ करने का तरीका भी लिखा हुआ है। अंदर पड़ी प्रोडक्ट की बात करें तो इसका टेक्स्चर जो है वो काफ़ी लाइट वेट क्रीमी टेक्स्चर है, विथ सम फाइन ग्रैनुअल्स। काफ़ी फाइन क्वालिटी के ग्रैनुअल्स इसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं। इसकी सेंट जो है वो काफ़ी अच्छी है, नाइस है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से जेंटली एक्सफोलिएट करता है। वैसे ही स्किन पॉलिशर जो है ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, इसे मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सीजन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन है ड्राई तो आप इसे वीक में 1 से 2 बार यूज़ करेंगी, और अगर आपकी स्किन है ऑयली कम्बिनेशन या फिर नॉर्मल तो आप इसे वीक में 2 से 3 बार भी यूज़ कर सकती हैं। सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं वो इसे वीक में 1 बार ही यूज़ करें तो बेहतर है। अच्छा, अब इसके क्लेम्स की बात करते हैं और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पर बताती हूँ कि मुझे इसके कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसको इस्तेमाल करने के बाद हमारी स्किन जो है वो काफ़ी रिफ़्रेश और क्लियर हो जाती है, हमारा कम्प्लेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा फ्रेश और क्लियर दिखता है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन पर एक रेडिएंट हेल्दी लुकिंग ग्लो फील होता है, आपको दिखता है, आपकी स्किन को ये सुपर सॉफ्ट बना देता है, काफ़ी अच्छे से हमारी स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है और काफ़ी जेंटली एक्सफोलिएट करता है। सो ये कुछ चंद एक चीज़ें थी जो कि इसके इस्तेमाल के बाद मुझे फील हुई हैं अपनी स्किन पर। तो मेरी तरफ से डर्मा शाइन का ब्राइटनिंग स्किन पॉलिशर टोटली रिकमेंडेड है, अगर आप खरीदना चाहें तो ज़रूर खरीदें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।